श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा है कि जन्माष्टमी किस दिन है और हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और क्यों हमें जन्माष्टमी उसी दिन मनानी चाहिए, पूजन का समय क्या है, व्रत को धारण करें या ना करें, व्रत को कर रहे हैं तो उस व्रत में क्या खाएँ क्या ना खाएँ और व्रत को हमें कब खोलना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न जन्माष्टमी को लेकर आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहे होंगे, का बिल्कुल सही जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। पर उससे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी एक सही जानकारी पहुंच सके और वो भी जन्माष्टमी के इस मतलब पवित्र दिन को जो है अच्छे से मना सके, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव वो मना सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या समझ लीजिए कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन मनानी है और किस उसी दिन क्यों मनानी चाहिए और उसका समय क्या है। तो सबसे पहले आप बात ये सुन लीजिए कि आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, है ना। सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि इस बार 6 और 7 अगस्त को जो है जन्माष्टमी पड़ रही है, जिसको लेकर सभी लोगों के मन में यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर 6 अगस्त को जन्माष्टमी है या 7 अगस्त को जन्माष्टमी है और व्रत हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बाद में व्रत रखने से क्या होता है, रात्रि में पूजन कैसे करना है और जो पूजन का समय है वो कितने से बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में देते हैं, है ना। सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हम उस तिथि को मान्य रखते हैं जिस तिथि के अंतर्गत सूर्योदय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन इसीलिए अभी आ रहा है क्योंकि दोस्तों यह जो जन्माष्टमी का मतलब दिन है ये 6 अगस्त को शुरू हो रहा है, मतलब अष्टमी तिथि जो है जन्माष्टमी की, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव, वो 6 अगस्त को शुरू हो रहा है। 6 अगस्त को दोपहर के 3:37 से जो है जन्माष्टमी का ये दिन शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर 2023 को शाम के 4:14 तक चलने वाला है। अब इसमें जो सूर्योदय हो रहा है वो 7 सितंबर को हो रहा है, तो निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है कि जो मतलब यहाँ पर जन्माष्टमी का दिन मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वो 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। और जितने बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण जी के, वहाँ पर सभी जगह 7 सितंबर 2023 को ही जो है जन्मदिन मनाया जाएगा, है ना, भगवान श्री कृष्ण जी का। और जिस दिन सभी लोग जन्मोत्सव मनाते हैं उसी दिन लगता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। तो एक सभी जगह से एक सही जानकारी लेकर अगर हम आपको बताएं तो 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाना बहुत सही रहेगा, है ना, क्योंकि वही दिन है जो कि जन्माष्टमी के लिए एक सही रूप दिखाई देता, मतलब आप लोगों के सामने दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के इस दिन को व्रत रखने से क्या होता है और इस दिन किस किस को व्रत रखना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो साल में बस एक बार आता है और इस व्रत को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। उसका क्या कारण है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जन्माष्टमी का जो व्यक्ति व्रत करता है, अब वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही कोई इस जन्माष्टमी के व्रत को धारण कर सकता है, कोई बच्चा भी अगर मन में सोच रहा है कि भाई उसे जन्माष्टमी का व्रत करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसको प्यारे नहीं होते, सभी को प्यारे होते हैं, तो अगर कोई बच्चा भी भगवान कृष्ण जी के जन्माष्टमी का जो है यहाँ पर व्रत रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, कोई बड़ा भी रख सकता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, कोई भी इस जन्माष्टमी के व्रत को धारण कर सकता है। ठीक है, पर इस जन्माष्टमी के व्रत में आपको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए वो सबसे पहली चीज़ आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने जन्माष्टमी का यह व्रत को धारण किया है तो आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, मतलब 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठकर जो है शुद्ध होकर, मतलब बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर जो है आपको भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और उनको जन्मोत्सव के लिए उनको उनकी मतलब नए कपड़े उनको पहनाना चाहिए और अपने घर में ही उनको भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो व्रत रखने के बाद दोस्तों आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का? नमक जो होता है ना, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है अन्न, किसी भी प्रकार का अन्न आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन अन्न को ग्रहण करता है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नर्कगामी होता है, मतलब नर्क में जाने के समान हो जाता है, तो ऐसा कहा गया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है ये सारी चीज़ें, तो जो सच है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर अन्न का मतलब सेवन करता है वो नर्कगामी की तरह ही होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखें क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है,
तो अब जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इस जन्माष्टमी के व्रत से, और उनको इस जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। अभी नहीं खाना है वो तो हमने आपको बता दिया, अब क्या खाना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जन्माष्टमी के व्रत के दिन आप फल फूल का ही मतलब सेवन करें, इससे ज़्यादा और कुछ ना करें। आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और जो भी फल फूल आते हैं जो कि व्रत में चलते हैं वो आप सभी फल फूल को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ कि हमारे इस व्रत को रखने से हमको क्या मिलेगा, तो देखो, जन्माष्टमी का जो भी व्यक्ति, भले वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो बड़ा ही क्यों ना हो, जो भी जन्माष्टमी के इस दिन का व्रत रखता है ना, उसको उसके पहले किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मतलब उसने पहले कभी भी किसी भी कारणवश गलती से या कैसे भी अनजाने में जाने में जो है कोई पाप कर दिया हो, तो उन पापों से जो है उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसके वह पाप नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति यहाँ पर जन्माष्टमी का यह व्रत करता है। उसके बाद में दूसरी चीज़, आप सभी लोग जानते हैं एकादशी व्रत होता है, तो दोस्तों कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत को धारण करता है उसको कई सारी एकादशियों के व्रत को करने का फल एक बार में ही मिल जाता है। मतलब सिर्फ एक जन्माष्टमी के दिन का व्रत रखने से ही जो है आपको पूरे एकादशी का फल यहाँ पर मिल जाता है, कई सारी एकादशी के व्रत को करने का फल यहाँ पर मिल जाता है ना। तो दोस्तों, इसीलिए जो है इस दिन को बहुत ही ज़्यादा विशेष यहाँ पर माना गया है, और जो व्यक्ति जन्माष्टमी के इस दिन का व्रत रखता है उस वो अपने घर की 21 पीढ़ियों को तार देता है। मतलब वो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार सकता है जो व्यक्ति सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखता है। उसके बाद में दोस्तों, जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे आशीर्वाद आपको मिलते हैं उस जन्माष्टमी के मात्र व्रत को ही रखने से, है ना। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप लोगों को इस जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजन कब करनी है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक या रात तक आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनके व्रत को धारण करेंगे, तो पूरे दिन आपका व्रत रहेगा। व्रत रहने के बाद रात्रि में 12 बजे से आप पूजन करेंगे, ठीक है। रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जो पूजन का समय देखा जाए, या जो जिस समय आप भगवान श्री कृष्ण जी का स्नान कराएंगे पंचामृत से, जल से, तो वो जो समय है ना वो रात्रि को 12:02 से लेकर, कितना, रात्रि को 12:02 से लेकर रात्रि को ही 12:48 तक रहेगा। इस बीच में आपको भगवान शिव जी का जन्म कराना है, भगवान शिव जी को मतलब पंचामृत से स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है, उनको मतलब अच्छे कपड़े पहनाना है, नए कपड़े पहनाना है, अपने घर पर बनाए हुए वस्त्रों तो और अच्छी बात है, उनको झूला झुलाना है, उनको भोग लगाना है जो आपने उनके लिए बनाया हुआ है, उनसे प्रार्थना करना है, उनको उनके जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ देना है, उनसे प्रार्थना करना है। ये सभी जो काम है ना भगवान कृष्ण जी की पूजन के लिए, ये सभी आपको अपने उस समय के बीच में कर लेना है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें, जब आपकी पूजन हो रही हो और आप आरती कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण जी की उसी समय के बीच में, मतलब 12:02 से लेकर 12:48 के बीच में, तो आपको अपनी आरती की थाली में कपूर ज़रूर इस्तेमाल करना है। मतलब जब आप आरती करोगे तो दिया तो जलाओगे, ये शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना है ना, तो दिया तो आप जलाओगे, तो साथ ही में आपको कपूर भी ज़रूर जलाना है। कपूर, क्योंकि कपूर आपके वहाँ के वातावरण को भी शुद्ध करता है, और भगवान भी कपूर जिस घर में जलता है ना, भगवान भी उस घर के व्यक्तियों से सभी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो याद से आपको अपनी पूजन की थाली में कपूर को भी रखना है, और जब तक आपकी आरती हो जब तक आपकी थाली में कपूर जलना चाहिए, और जैसे ही आप कि मतलब जब तक आपकी आरती में मतलब कपूर तो होना ही चाहिए, और जब तक आपकी आरती चलती रहे, जब तक आपका कपूर चलता रहे, और जब आप थाली नीचे रखें तो उस समय आपका कपूर बुझ जाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना। तो कपूर की यहाँ पर विशेष महत्वता बताई गई, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो गई। अब जो आखिरी बात आती है कि हमने जो व्रत रखा है उसको हमें कब खोलना चाहिए। देखो, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि रात्रि में वो पूजन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना लेते हैं, प्रसादी को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो भोजन भी कर लेते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है या जो व्रत का पारण रहता है वो आपको अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद करना चाहिए। मतलब 8 सितंबर 2023 को सूर्योदय जब हो जाए उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं ना। पर यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बाद चाहें तो भी व्रत को खोल सकते हैं, और अगर व्रत के पारण का समय देखा जाए तो वो रात्रि में ही 2:00
2 मिनट से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 2 मिनट्स के बाद से आप कभी भी अपना व्रत को खोल सकते हैं, बाकी उसके पहले भी खोल सकते हैं। ये पूरी आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसे मतलब कर रहे हैं, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नियम थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। अब दोस्तों आखिरी में कुछ छोटे से उपाय हम आपको बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात हम आपको बताते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के मंदिर होते हैं, वहाँ पर आप ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आपको शिवलिंग ज़रूर मिलेगा। ये बात आप खुद देख लेना, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसी के पास में भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित रहते हैं, मतलब भगवान शिव जी की शिवलिंग भी रहती है। तो क्या जन्माष्टमी के दिन अगर हम भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ कोई उपाय करेंगे तो क्या भगवान शिव जी और कृष्ण जी हमसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल होंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे, और वो आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे, है ना। तो इस दिन आपको जो है जल तो चढ़ाना ही है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान शिव जी पर एक बेलपत्री या फूल या एक चावल का दाना या एक हरे मूंग का दाना, कोई भी मात्रा में, एक बस, ज़्यादा नहीं, ऐसा ज़्यादा भी हम नहीं बोल रहे हैं। आपको अगर एक बेलपत्री मिल जाए तो एक बेलपत्री भगवान शिव जी पर चढ़ाना, या अगर हरे मूंग का दाना मिल जाए एक तो वो चढ़ाना, चावल का दाना मिल जाए तो वो चढ़ाना, शमी पत्र मिल जाए तो वो चढ़ाना, सबसे बड़ी चीज़ पीला कनेर का फूल मिल जाए तो वो भी आप इस दिन अगर भगवान शिव जी पर चढ़ा दोगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी वैसे ही प्रसन्न होंगे और बिना मांगे आपको वो सब प्रदान होगा, ठीक है। बाकी ये पूरी चीज़ें आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं। आप मन से पूजन कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को मनाइएगा, जैसे आप अपने किसी प्रिय के जन्मदिन को मनाते हैं, किसी आपके बहुत करीबी का जन्मोत्सव होता है तो उसको आप कितनी धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को मनाइएगा। और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कीजिएगा, तो फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भी अच्छे से कीजिएगा, पूरे विधि और विधान से कीजिएगा, आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे मिलेगा, है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको जन्माष्टमी को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी अगर भी अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ या इस दिन कोई उपाय को करने से, है ना। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।